महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष अनीता डूलबट सीकरी ने कहा कि मैं पिछले 10 वर्षों से कांग्रेस पार्टी को लेकर जमीनी स्तर पर कार्य कर रही थी। हर रोज सुबह से लेकर सांय तक पार्टी की नीतियों का प्रचार करती रही। उन्होंने कहा कि 2019 के चुनाव में मेरे साथ अनदेखी हुई, वह अब फिर चुनाव कुछ टिकट परिवारवाद की भेंट चढ़ गई। वह आज कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि मैंने अपना कलायत विधानसभा से चुनाव नामांकन दाखिल किया है क्योंकि मेरे को आश्वासन दिया गया था कि हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं और आप बहुत मजबूत हैं। ये मायका है आपका, मायके में आपने गांव गांव घर घर आप पहुंचे, लेकिन अब वो लोग पूछते हैं टिकट नहीं मिली आपको, क्या जवाब देते हैं? ये तो मेरे साथ ही है, वो मेरे साथ ही है 3 दिन से। जब वो हमारा गांव इकट्ठा हुआ, इन्होंने इकट्ठा किया, बोला कि टिकट तो देखो एक को मिलोगी, गांव वालों ने ये बोला था। अगर मैं भी टिकट का 19-21 होता है तो आपका मन में क्या है? मैंने कहा आप सोचो, आप बताओ। तो ये बोले नहीं, अब बैठना नहीं, आपने इतनी मेहनत कर ली, अब नहीं बैठेंगे। क्योंकि मेरी टीम ने भी साथ में खून पसीना बहाया है कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए। हर घर द्वार गली चौराहा सब, क्या मेरा सपना नहीं हो सकता कि मैं MLA MP बनूं? क्या मेरी मेहनत में कोई कमी रही? मेरा क्या कसूर था? मुझ में क्या कमी थी? क्या मैं पढ़ी लिखी नहीं? क्या मैं वोट नहीं मांग सकती? क्या मैं जनसेवा करने की हकदार नहीं हूँ? ये सब बातें हैं जो अब जनता देख रही है, जान रही है, पहचान रही है। कितना अंतिम मैंने वेट किया था और इसका खामियाजा तो देखिए पार्टी भुगतेगी। ये अनीता का खामियाजा नहीं रहेगा। अनीता डूलबट सीकरी तो जैसे पहले थी वैसे भी अभी भी लड़ेगी और जीतेगी। सर्वे हुआ, आपका इंटरव्यू हुआ, तो क्या रहा आपके सर्वे में, आपके इंटरव्यू में? मेरे सर्वे और इंटरव्यू में यही रहा था कि जो सर्वे में मजबूत होगा, जिसने मेहनत की है उसको नकारा नहीं जाएगा। बहुत कुछ बातें थी कि हम परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देंगे, आप बहुत मजबूत हैं, आपको कोई काट नहीं सकता, ये सब आश्वासन मेरे को दिए गए थे और मैं भी कल तक वही वेट कर रही थी। लेकिन आखिर में वही बात है, कांग्रेस पार्टी ने परिवारवाद को, हम मेरी मेहनत को नकार दिया, मेरे साथियों की मेहनत को नकार दिया, परिवारवाद को चुना। लेकिन अनीता डूलबट सीकरी अब प्रजातंत्र को बचाने का काम करेगी, राजतंत्र को खत्म करने का काम करेगी। अभी राजतंत्र खत्म होगा, प्रजातंत्र जीतेगा।